क्या हो गया? याची, मैं तो टेंशन हो रही तेरे पापा ठीक होंगे कि नहीं। अरे कई बार तो कमरे में मुझे देखकर के चुड़ा चुड़ा चिल्ला के कमरे से बाहर भाग जाते हैं, तो फिर अभी तो वो कब्रिस्तान गए हैं। मम्मी यार बेकार में टेंशन ले रही हो, देखो पापा खजाने के चक्कर में गए हैं तो उनका कोई डर ना पैसों के लालच से बड़ा हो ही नहीं सकता। मैं सही बता रही हूँ यार, ऐसा है कि अभी मुरारी लाल बंसल जो है कब्रिस्तान से भाग के आया है, उसको इतना डर लगा वहाँ पे, इतना अंधेरा अतरा तमाम तरीके की आवाजें, वो एक खजाने के चक्कर में है। तो मतलब मुरारी लाल, मतलब मैं जो है खजाना ढूंढने के लिए गया हूँ, खजाना खोद करके बहुत सारा पैसा अपने खजाने में रखना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाके इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, डर जाता है, तो वापस से भाग के घर पे आया और कह रहा मुझे बचा लो। पर यही कहना चाहेंगे कि आप जीजाजी छत पर देखते रहिए, हमें प्यार करते रहिए, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे एवरी डे आता है, बाकी आपका प्यार ही हमें आपको अच्छी अच्छी चीजें दे पाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान ला पाएगा। थैंक यू वेरी मच। रियल में हाँ डरता तो हूँ, जी 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 बिल्कुल डरता हूँ, डरता हूँ। मुझे बचा ले करो, मुझे बचा ले। किससे बचा लो इलायची के पापा? मुझे बचा ले, बस मुझे बचा ले। अरे हुआ क्या है? अरे मुझे मुझे इस लालच से बचा ले, मुझे उस पराए खजाने से बचा ले। मैं क्या करने जा रहा था? कैसी बातें कर रहे हो? दादा जी ने नक्शा आपके लिए छोड़ा है पापा। अरे इस नक्शे के लिए मैं अपना नक्शा ना बदलवाऊंगा, बात कर रही है। पर हुआ क्या ये तो बताओ। इलायची बेटा मैं कब्रिस्तान के अंदर घुसा, बहुत अंधेरा था, वहां पे अजीब 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 सी आवाज आ रही थी। के सीन के बारे में बस ये बता सकते कि इलायची के पापा जो है काफ़ी डरपोक किस्म के हैं, तो हमें लगा कि इतना डरपोक होना ठीक नहीं है, तो इलायची चाहती कि उसके पापा थोड़े से निडर हो जाएं, थोड़े हिम्मत वाले हो जाएं, तो उसी में से एक हम लोग टिकड़म लगा रहे हैं कि उनके अंदर से डर निकले, तो वही कर रहे थे लेकिन उल्टा पासा पड़ गया और वो और भी डरे हुए से वापस आ गए जी।